हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज, अगर आप हमारे चैनल को पहले से फॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा कि हम इंट्रा से रिलेटेड, अजियो से रिलेटेड, फैशन से रिलेटेड डील, डिस्काउंट और कूपन कोड के बारे में हम शेयर करते हैं आपके साथ। और साथ ही साथ हम शेयर करते थे पहले कुछ टिप्स और ट्रिक के बारे में। तो गाइज, आज से आपको चैनल पर हम देने वाले हैं साथ फैब्रिक रिव्यू भी आपको मिलने वाला है। तो गाइज, हम जो ऑनलाइन फैब्रिक खरीदते हैं मिंत्रा से, अजियो से, कूप्स.com से और भी अदर वेबसाइट से और ऐप है, उनसे हम लोग फैब्रिक जो खरीदते हैं उनका मैं रिव्यू करने वाला हूँ यहाँ पर, क्योंकि मैं एक टेक्सटाइल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूँ कि मैं एक टेक्सटाइल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ और हम लोग यही पढ़ते हैं कि कैसे किसी फैब्रिक को चेक करते हैं और क्या होना चाहिए उसका क्वालिटी असेसमेंट और क्या होना चाहिए उसका क्वालिटी पैरामीटर। तो गाइज, आज के इस वीडियो में हम फैब्रिक के बारे में बात करेंगे और आगे की वीडियोस में भी मैं कोशिश करूंगा कि जो मैं ऑनलाइन फैब्रिक यूज़ करता हूं या ऑनलाइन किसी ऐप या वेबसाइट से ख़रीदता हूं उसको रिव्यू करूं, क्योंकि रिव्यू में यह होता है कि मैं तो यहां पे फैब्रिक फील कर रहा हूं, आप तो नहीं फील कर रहे हो। जब आप ऑनलाइन खरीदने जाते हो तो कभी कभी किसी के साथ स्कैम हो जाता है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑनलाइन पे बिलीव नहीं करते हैं। तो मैं उन लोगों का बिलीव वापस लाने के लिए उन लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि ऑनलाइन हर चीज़ फेक नहीं होता। आपको समझ होनी चाहिए, कि आपको पहचान होनी चाहिए कि कौन सा फेक है और कौन सा जेन्युइन है। तो गाइज, आज के इस वीडियो में हम वही डिटेल से बात करेंगे। तो गाइज, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ अपने व्यूअर से, अगर आप पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल को तो कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि ऐसे वीडियो में हमेशा आपके लिए लेके आता रहूँगा। तो गाइज, सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ इस फैब्रिक के बारे में कि जिसको मैंने कूप्स.com से ख़रीदा है। ये मुझे कितने का पड़ा था? ये पड़ा था 1699 का पड़ा मैंने, और इसको मैंने कैश करो के थ्रू ख़रीदा था, जिसपे मुझे काफ़ी अच्छा खासा डिस्काउंट मिल चुका था। जो 171 का डिस्काउंट या 169 का डिस्काउंट मिला था मुझे आसपास, डिस्काउंट नहीं, उसको कैशबैक बोलते हैं, जो बाद में मेरे कैश करो अकाउंट में मिल जाता है और फिर बाद में मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ। तो गाइस, ये फैब्रिक काफ़ी मुझे अच्छा लगा, इसका फील काफ़ी अच्छा है। तो वीडियो के आगे मैं डिटेल से आपको फैब्रिक दिखाऊंगा और फील और अपीयरेंस के बारे में भी बात करूंगा। तो गाइज मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करते हैं तो सब्सक्राइब कर लिया आपने तो गाइज, मैं यूट्यूब पे तो वीडियो बनाता हूं, साथ में मैं नीचे ब्लॉग का लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे क्या करता हूँ मैं सबसे पहले ब्लॉग पे अपडेट करता हूँ, क्योंकि यूट्यूब जो ये डील्स आते हैं कभी रैंडम टाइम से आते हैं तो पॉसिबल नहीं होता कि यूट्यूब वीडियो उसी टाइम में बना दूँ। तो मैं सबसे पहले ब्लॉग अपडेट कर देता हूँ, तो लिंक मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और मेरे ब्लॉग पर जाइए और वहाँ पर ईमेल डाल के आपको फॉलो कर लीजिए। और वहाँ पर मैं सबसे पहले शेयर करता हूँ जो कूपन कोड्स होते हैं, हमने तो काफ़ी कूपन कोड यूज़ किया और मैंने ऐसे ऐसे फैब्रिक खरीदे हैं जो आगे की वीडियोज़ में मैं बताऊँगा, तो आप अमेज्ड हो जाइएगा कि इतने कम प्राइसेस में और इतने अच्छे फैब्रिक ऑनलाइन मिलते हैं, सच में मिलते हैं। तो भाई चलिए, हम आपको लेके चलते हैं फैब्रिक पर और दिखाते हैं कि इस फैब्रिक में क्या क्या है। तो भाई जैसा कि आप देख रहे हैं, इधर 1699 मुझे पे करना था जो मैंने कूप्स को पे किया था। भाई चलिए वीडियो में बात करते हैं कि ये फैब्रिक उतने प्राइस के लिए जो है अप्लीकेबल है या नहीं, उतना प्राइस हमको पे करना चाहिए था नहीं, हम उस पर बात करते हैं। चलिए फैब्रिक पे चलते हैं। ये सब बिलिंग्स डिटेल्स है, इसको अपने का काम नहीं, इसको साइड करते हैं। तो ये जो टैग था इस फैब्रिक का था, जैसे आप देख सकते हैं प्रोडक्ट नंबर ये सब दिया हुआ है, प्राइस भी दिया हुआ है और यहाँ पे मार्केटेड बाय और किस कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया है सब दिया रहता है। तो गाइस, जब भी हम फैब्रिक खरीदते हैं हमको इसको एक बार जरूर देख लेना चाहिए कि इस पर क्या क्या लिखा हुआ है, कलर और फिट के बारे में भी बात किया रहता है इस पर, तो हमें चेक कर लेना चाहिए। और यहाँ पर QR कोड सब दिया रहता है, ये सब कोई जो जेन्युइन कंपनी होती है ये सब रूल्स फॉलो करती हैं। तो चलिए आपको फैब्रिक के ऊपर ले जाके दिखाते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम फैब्रिक की अपीयरेंस के बारे में बात करते हैं। तो अपीयरेंस काफ़ी इसका अच्छा है, तो अपीयरेंस में आपको शुरू में जो हम लोग फॉलो करते हैं कि देखते हैं कि कोई पिलिंग इफेक्ट या सब कुछ है कि नहीं, तो इस पर कोई पिलिंग इफेक्ट नहीं है। जो कॉटन में तो खासकर पिलिंग इतना जल्दी नहीं होता है, आप देख सकते हैं ब्लू शेंट कंपनी के थ्रू ये बनाया गया है, जो डेनिम का एक डेरिवेटिव है, यानी कि डेनिम जैकेट है ये, जिसका डेरिवेटिव है ये ब्लू शेंट, एक कंपनी जो इसको मैन्युफैक्चर करती है जो कर्नाटका में इस्टेब्लिश है। तो गाइस चलिए, पहले फैब्रिक के दो जोन होते हैं, दोनों जोन के बारे में बात करते हैं। पहला जोन ए है और ये दोनों जोन बी है। तो जो फैब्रिक के डिफेक्ट्स होते हैं वो खासकर जोन बी में पाए जाते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि जोन बी में कोई डिफेक्ट है कि नहीं। जोन बी के लाइनिंग में, टेलरिंग में हमको तो कोई डिफेक्ट नहीं दिखा इस फैब्रिक में, फैब्रिक काफ़ी स्मूथ है, क्लीन है
इस साइड भी देख लेते हैं आपको, ये जोन बी का, ठीक है। जोन बी में देखिए कोई भी डिफेक्ट नहीं है इस साइड भी, यानी कि फैब्रिक की जो फिनिशिंग है वो काफ़ी अच्छी है। थोड़े थोड़े यहाँ पे आपको ये सब निकले हुए दिखाई देते हैं, ये हमको निकाल लेने होते हैं खुद से, ये ऐसा कुछ डिफेक्ट नहीं है, बस ये एक्स्ट्रा यान जो बच जाता है वही है जो हम एक नॉर्मल आदमी भी इसको हटा सकते हैं। गाइस चलिए और इसको इसमें देखते कि अंदर देखते कि कोई डिफेक्ट है कि नहीं, तो कुछ भी डिफेक्ट तो मेरे को दिखा नहीं, मैंने इसको यूज़ भी किया हुआ है, इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है। फील काफ़ी अच्छा है, थोड़ा सा स्टडी फील है किंतु, लेकिन स्टडी फील होने के कारण थोड़ा स्टिफ फील भी है, बट ये जो बॉडी पे होता है काफ़ी अच्छा फील देता है, काफ़ी अच्छा ड्रेप देता है। तो यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं हमें ये ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन अपने को दिया रहता है जो हमको फॉलो करना चाहिए। तो देख लीजिए यहाँ पे कलर में भी, रन डाउन ऑन टू अदर गारमेंट एंड अपहोल्स्ट्री वॉश सेपरेटली, मतलब बोला जा रहा है कि इसका कलर भी जा सकता है, इसलिए आप इसको साथ में किसी कपड़े के साथ नहीं धोइएगा, अकेले धोइएगा, यानी कि वॉश फास्टनेस इसका उतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए, क्योंकि प्राइस कम है इसीलिए। और आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, अगर आप ये फैब्रिक खरीदिएगा तो पढ़ सकते हैं, कभी भी कोई फैब्रिक खरीदिएगा तो ज़रूर ये पढ़िएगा कि कैसे हमको यूज़ करना चाहिए। और यहाँ पे और कुछ डिटेल्स है जो प्रोडक्ट नंबर के बारे में डिटेल्स है, और काफ़ी और ज़्यादा कुछ डिटेल्स पे दिया नहीं गया है, ये एम साइज है फैब्रिक। गाइस पीछे की तरफ देखते हैं कि कुछ डिफेक्ट तो नहीं है इसमें, पीछे की तरफ देख रही है कोई डिफेक्ट अपने को नहीं दिख रहा है, ये साइड में लाइनिंग भी देख रहे हैं ये परफेक्ट लाइनिंग किया हुआ है, थोड़े थोड़े यांस बाहर की तरफ है बट उससे कोई दिक्कत नहीं है, ये हम एक नॉर्मल आदमी भी इसको हटा सकता है, कोई इससे प्रॉब्लम नहीं है, कोई डिफेक्ट नहीं है ये। हेलो गाइज कैसा लगा वीडियो, आई होप अच्छा लगा होगा। तो इसमें मैंने पूरे डिटेल से कवर कर दिया है कि ये कैसा है फैब्रिक, आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए इसके ऊपर बात करते हैं। तो गाइज ये टोटल जो मुझे पड़ा था 1400 के आसपास पड़ा था, जो ये जो फैब्रिक है अपने प्राइस के लिए अच्छा है, क्योंकि डेनिम का जो भी हम खरीदने जाएंगे अगर दुकान से तो 3000 या 4000 के आसपास मिलेगा, वो भी फैब्रिक कैसा होगा हम लोग कुछ बोल नहीं सकते, अच्छा ही होगा इनफैक्ट, बट ये जो फैब्रिक है अपने प्राइस के लिए काफ़ी अच्छा है। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मुझे ये मैंने ये प्रोडक्ट अपने पैसे से खरीदा है और आप लोगों के साथ मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यूज शेयर कर रहा हूँ कि आप लोगों को खरीदना चाहिए या नहीं। तो अगर आपको खरीदना है तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके डायरेक्ट फैब्रिक को चेकआउट करिए और खरीदिए। गाइस ऐसे वीडियो में हमेशा आपके लिए लेके आऊँगा, काफ़ी सारे मैंने फैब्रिक खरीदे हुए हैं, काफ़ी सारे कपड़े खरीदे हुए हैं, मैं सबका रिव्यू करूंगा धीरे धीरे। तो गाइस मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपसे कि बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही कर लीजिए बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि जैसे भी हम अपना वीडियो अपलोड करें आपको सबसे पहले मिल जाए, और साथ ही साथ आप हमारे ब्लॉग को भी चेकआउट करते रहिए। गाइस एक और प्रॉब्लम है जो मैं देख रहा हूँ इन दिनों, जो काफ़ी कमेंट्स आते हैं मुझे यूट्यूब पे, तो जब मैं उनका तो रिप्लाई कर देता हूँ, बट बाद में क्या होता है कि आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं मुझे वो पता नहीं चल पाता है। इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप मेरे इंस्टाग्राम पे आइए, वहाँ पे मुझे DM करिए, और DM करने के बाद आपका जो प्रॉब्लम है मेरे साथ वहाँ पे शेयर करिए, और स्क्रीनशॉट और जो भी फोटोज आप शेयर कर सकते हैं तो शेयर करिए, मैं वहाँ पे आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। क्योंकि क्या होता है यूट्यूब पे तो मैं आपको बता देता हूँ तरीका, लेकिन बाद में मुझे नहीं पता चल पाता कि आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं, इसीलिए आप इंस्टाग्राम पे आइए और वहाँ पे पर्सनली मेरे से चैट करिए, मैं 100% आपको रिप्लाई दूंगा। वैसे आज के इस वीडियो में इतना ही, आई होप वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और खासकर वैसे दोस्तों के साथ जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, और जो नहीं भी करते हैं उनके साथ शेयर करिए, क्योंकि मैं उन्हीं लोगों को टारगेट करना चाहता हूँ जो ऑनलाइन पे बिलीव नहीं करते, उन लोगों का ट्रस्ट ऑनलाइन से हट चुका है किसी फ्रॉड के कारण, या जो किसी दोस्त के फ्रॉड के कारण, या कोई भी एक रीज़न है जिनसे उनका बिलीव हट चुका है ऑनलाइन से, तो मैं वो बिलीव वापस लेके आना चाहता हूँ। गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रान, अलविदा, मासलामा, टेक केयर एंड डू व्हाटएवर यू वांट आर माय लवली फ्रेंड्स।